प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्णिम योजना स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना के तहत तमाम रेहड़ी वाले, तमाम हस्तशिल्प कारीगर और तमाम ऐसे लोग जिनके कारोबार को कोई पहचान नहीं थी, प्रधानमंत्री ने अब उनके कारोबार को पहचान दिलाई है। नगर निगम डूडा और शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से स्वनिधि योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत आगरा और आगरा के साथ साथ देश के हर जिले के उस व्यापार को, उस काम को जो सालों से चला आ रहा है, उसको एक नई पहचान दिलाई गई। मैं बात कर रहा हूँ आगरा की। ताज नगरी ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। आगरा को मुगलों की राजधानी भी कहा जाता है। और मैं बता दूँ आपको कि आगरा में जब मुगल रहे, उन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया, तो तमाम ऐसे काम भी थे जो मुगलों की देन ही आगरा के लोगों को मिले। वहीं एक काम की हम बात कर रहे हैं, हालांकि वह काम मुगलों के शासनकाल से पहले का था, जिसे हम जरदोजी कहते हैं। जरदोजी अपने आप में एक कपड़े पर बनाई हुई प्रतिकृति, या कह लीजिए कि एक संरचना थी जिससे कपड़े के डिज़ाइन में रौनक आती थी। पुराने ज़माने में इस काम को सोने और चांदी के धागों से किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, सोने चांदी के दाम बढ़े, तो यह काम भी बंद होता चला गया। लेकिन वहीं मुगल बादशाह अकबर ने इस काम को फिर से एक नई पहचान दिलाई और फिर से इसको रफ्तार दिलाई। वहीं हमारे साथ इस समय कुछ महिलाएं मौजूद हैं। यह लोग एक समूह में रहकर यह जरदोजी का काम करती हैं। हम इनसे बात करेंगे कितने सालों से ये काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस काम को एक नई पहचान दिलाई है, इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नगीना है। जी, आप जरदोजी का काम करते हैं? जी, इस काम को मुझे करते हुए कम से कम तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं। जी, बताइए जरदोजी का काम आपके परिवार के लोग भी पहले किया करते थे? जी, मेरे परिवार से पहले मेरे घर से मेंबर भी किया करते थे, जिस तरीके से मेरे बड़े बुजुर्ग भी किया करते थे, अब उसी तरह से मैं भी करती हूँ। बात करें स्वनिधि महोत्सव, स्वनिधि योजना की, तो प्रधानमंत्री ने जो योजना शुरू की, उससे आपके इस काम को कहीं ना कहीं पहचान मिली है, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मेरे इस काम को पहचान मिली है, बहुत अच्छी बात है, और आगे के लिए और भी अच्छी पहचान मिलनी चाहिए। तो पहले के ज़माने में बताया जाता है कि जरदोजी का काम होता था, वो सोने और चांदी के तारों से होता था। जी, पहले के समय में ये काम सोना चांदी से हुआ करता था। उसी तरह से ये समय जिस तरह से चलता गया, उसी तरह से इस काम की रेट जो है गिरती चली गई, क्योंकि सोना चांदी के दाम बढ़ते चले गए। आज काम को मोदी जी ने आज नई पहचान दी है, और जैसे कि तांबे से किया जा रहा है, एल्युमिनियम से किया जा रहा है, पीतल से किया जा रहा है, उसी तरह से ये काम अब आगे बढ़ने के लिए मैं चाहती हूँ ये काम आगे बढ़ता चला जाए। मतलब अगर बात करें आधुनिकता की, तो आधुनिकता के समय में जैसे चांदी और सोने का दाम बढ़ा है, उस हिसाब से अब जो तमाम चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप पीतल की बात करें और भी तमाम चीज़ें ऐसी हैं, धातुएं, उनसे ये जरदोजी बनाई जा रही है। अच्छा, आप भी इनके साथ मौजूद हैं, तो कब से ये काम कर रही हैं आप? 10 साल से। 10 साल से कर रही हैं। अच्छा, क्या लगता है, क्या क्या मतलब दिक्कतों का क्या क्या सामना करना पड़ता है, जैसे सामान के लिए इंतजाम करना पड़ता है? सामान के यही है, गिदाई आती है, कोहरा आता है, डक्का आता है, डोरी आती है, मोती वगैरह आते हैं, चौपेल आती है, सारा सामान आता है। काफी टाइम में जी, एक बात अगर पूछी जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक पेंटिंग है जो आपने बनाई है, या कोई भी एक आकृति बनाई है, कितना समय लग जाता होगा इसको तैयार करने? ये प्रोडक्ट के ऊपर किया जाता है, जिस तरह से प्रोडक्ट छोटा होगा उसमें कम समय लगता है, बड़ा होता है तो बड़ा समय लगता है उसमें। क्या लगता है आपको, आपके जो वस्तु है, प्रोडक्ट है, जो आपकी मेहनत है, क्या उसके वाजिब दाम आपको मिल पा रहे हैं? जी, अब तक तो नहीं मिल पा रहे थे, मगर अब मिल रहे हैं, और मैं चाहती हूँ आगे और इससे भी बेहतर दाम। जब से हम इस योजना से जुड़े हैं ना, जब से मिल पा रहे हैं, उससे पहले नहीं मिलते थे, मजदूरी भी नहीं मिलती थी। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने योजना शुरू की है, उस योजना से कहीं ना कहीं इन लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि आगरा में हस्तशिल्प जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। हस्तशिल्प की वजह से लोगों को यहाँ पर तमाम काम करने को मिला है, और तमाम काम जो है वो हस्तशिल्प का यहाँ पर किया जाता है। तो हम बात करेंगे, ये यहाँ पर दरी का काम है, तो इनसे बात करेंगे, इन्होंने भी कुछ तैयार कर रखा है। किस तरह की ये तैयारी और क्या है ये? ये इसको बोलते हैं कारपेट।
इसको कारपेट बोलते हैं, और इसको धागे से किया जाता है। जो भी हम खरीद कर लाते हैं, दरी लेकर आते हैं, फिर उस पर छपाई होती है, फिर उससे काम होता है हाथ से, सुई से। इसे बुनकर बोलते होंगे? हाँ, बुनकर बोलते हैं। तो कितने समय में तैयार कर देते हैं आप एक दरी? अगर जी हम अगर अकेले करेंगे तो 10 से 15 दिन लग जाएगा, और अगर कारीगर लगा के करते हैं तो 5-6 दिन लग जाएंगे। 5-6 दिन लग जाएंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ प्रधानमंत्री की इस योजना की, तो क्या लग रहा है कि इस योजना में आने से पहले या इस योजना के आने के बाद आपको फायदा हुआ है? इस योजना के बाद आने के बाद फायदा हुआ है। इससे पहले तो हम मजदूरी करते थे एक तरीके से। मजदूरी करते थे? हाँ। अपना खुद का काम नहीं था, किसी के यहाँ मजदूरी किया करते थे। तो आज आप आता था खुद का काम कर रहे हैं आज हम, तो कितना खुशी हो रही है, क्या एहसास है? बहुत खुशी हो रही है। अब आपको क्या बताएं। क्या नाम है आपका? इशरत परवीन। अच्छा, बताइए प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब आपको एक अपना खुद का काम मिला है, पहले मजदूरी की तरह? बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं उनका, क्योंकि मुझे पहले नहीं था, अब बहुत ज़्यादा में से सहूलियत हो गई है, बहुत हेल्प हो रही है इस चीज़ से, हमें बहुत आराम हो गया है इसको हमें करने से। पहले हम दूसरे का कर देते, अब हम खुद ही अपना कर लेते हैं, ऐसा हो। तो आपको आपकी मेहनत का वाजिब दाम मिल रहा है। तो आपने देखा कि स्वनिधि महोत्सव जो आज किया जा रहा है, और जो प्रधानमंत्री की जो स्वर्णिम योजना है, इस योजना का इन लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। आगरा के जो शिल्पकार हैं, जिनकी प्रतिभा को आगरा के लोगों ने और देश के लोगों ने बिल्कुल भुला दिया था, आज वह प्रतिभा फिर से आगे निखर कर आ रही है। आगरा से प्रभात खबर उत्तर प्रदेश के लिए राघवेंद्र सिंह गहलोत। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।